रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ ग्लास। ग्लास की ईजाद, इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को। कोई बंदा एक ख्याल सोचता है, फिर उससे डिज़ाइन करता है उसके, और उस वो चीज़ बन जाती है। हाउ टू बिकम एन इन्वेंटर, एक मौजूद कैसे बना जा सकता है। ऑल इट टेक्स इज़ डिज़ायर, ख्वाहिश होनी चाहिए कोशिश की, और टू मास्टर बेसिक स्किल्स सच एज ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, और मुशाहिदा और तजर्बात के दो बेसिक महारतें होनी चाहिए। आर यू क्यूरियस, आपको तजस्स है कि अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आप देन यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी एन इन्वेंटर। तो इन्वेंटर्स जो होते हैं, फाइंड समथिंग दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढें जो बेहतरी चाहती हो। बिफोर यू गेट स्टार्टेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द प्लान, स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाएं। हैविंग अ प्लान हेल्प्स यू फिगर आउट व्हाट टू डू, इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वंस यू हैव अ प्लान फॉर योर इन्वेंशन, यू मे हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटीरियल्स, आपको डिफरेंट मटीरियल्स के साथ तजर्बे करने पड़ेंगे। इफ़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट डजंट वर्क, डोंट वरी, अगर आपकी पहली कोशिश कामयाब ना हुई तो कोई फिक्र ना करें। इन्वेंटर्स नो दैट मेकिंग मिस्टेक इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हाउ टू बी अ चाइल्ड इन्वेंटर, एक आइडिया सोचें, उसके ऊपर काम करें, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से उसको डिस्कस करें, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करें, और फिर उससे जब आपकी चीज़ बन जाए तो फिर कंपनी से रजू करें। तो हम अपने इर्द गिर्द छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं, जैसे किसी ने पेंसिल का सोचा, बॉल पॉइंट का सोचा, आइस लॉली, इवन जो हम माचिस यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन है, ये टीवी, मोबाइल सारे डिफरेंट हैं। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, सम फिशरमैन कैंप फॉर द नाइट ऑन अ सैंडी बीच, उन्होंने रेतले साइले समुंदर पे अपने खेमे गाड़े। आफ्टर दे वेंट टू स्लीप, द हॉट कोल्स फ्रॉम देयर कैंप फायर ग्लोड फार इन टू द नाइट, जब वो सो गए तो जो जले हुए कोले थे उनकी खैमों की आग में से वो चमकना शुरू हो गए और बहुत दूर तक नजर आए। इन द मॉर्निंग वन ऑफ द मैन नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लंप इन द एशेस, सुबह के वक्त आदमी ने अजीब सा ढेर उस राख में देखा। ही हैड नेवर सीन अ स्टोन लाइक इट बिफोर, उसने उससे पहले ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा था। पजल्ड ही पिक्ड इट अप एंड क्लीन्ड इट ऑफ, घबराया हुआ उसने उसको उठा लिया, उसको साफ किया। तो ये जो अभी हमने मुश्किल वर्ड्स किए हैं उनके उर्दू में मानी है। एज ही टर्न्ड इट ओवर इन हिज हैंड, जैसे उसने अपने हाथ में उल्टा पुल्टा, ही सॉट दैट द सन लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग शोन राइट थ्रू इट, के सुबह सवेरे की सूरज की किरणें उसके अंदर से गुजर रही थी। ही वॉज श्योर, उसे यकीन था दैट इट हैड नॉट बीन ऑन द बीच द नाइट बिफोर, के ये एक रात पहले साइलेंस समुद्र पे नहीं था। कुड द फायर समहाउ हैव मेड दिस ऑड सब्सटेंस, क्या आग ने इस अजीब मादे को बनाया। लेजेंड से दैट दिस मे बी द वे दैट पीपल फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्लास, दास्तानों में आता है कि इस तरह लोगों ने पहले डिस्कवर किया ग्लास क्या होता है। ग्लास इज फॉर्म्ड व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विद सर्टन केमिकल्स इन अ वेरी हॉट फायर, ग्लास रेत से बनता है जिसको कुछ मादों के साथ आग में पकाया जाता है। परहैप्स बाय एक्सीडेंट ऑल ऑफ दीज मटीरियल्स वर मिक्स्ड विद द सैंड इन द बीच, एज टाइम पास्ड बाय पीपल फाउंड मैनी यूजेस फॉर दिस न्यू सब्सटेंस, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने इसके बहुत से इस्तेमाल जाने। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कासल्स हैड ओनली हाई नैरो ओपनिंग्स इन देयर कोल्ड स्टोन वॉल्स, सालों पहले जो किले हैं उनके अंदर छोटी ओपनिंग्स होती थी जिसमें से हवा आती थी। बिकॉज द विंड एंड वेदर ब्लू इन थ्रू देम, दे वर कॉल्ड विंड्स आई, तो इनको विंड्स आई कहते थे क्योंकि इनमें से मौसम और रोशनी आती थी। तो दिस इज वेयर द इंग्लिश वर्ड विंडो केम फ्रॉम, तो इस विंड आई से इंग्लिश लफ्ज जो है वो विंडो बन गया। Wealthy people like kings began to use glass to cover these holes in the walls. अमीर लोग बादशाहों की तरह इस ग्लास को इन जो सुराख हैं उनको ढांपने के लिए इस्तेमाल करने लगे। At that time glass was hard to make and very expensive. उस जमाने में ग्लास बनाना बहुत मुश्किल था और ये बहुत कीमती था।
Even kings could not afford glass for every window in their palaces and forts. अपने महलों और किलों में जो बादशाह हैं वो भी सारी जगह ग्लास लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. Most of people used animal skins, pieces of cloth or oiled paper. बहुत सारे लोग जानवरों की खालें, कपड़े के पीस या फिर ऑयल कागज का इस्तेमाल करते थे. But these coverings did not let in much light and no one could look out through them. लेकिन ये कवरिंग्स जो हैं इनसे लाइट अंदर नहीं आती थी और लोग उसके पार नहीं देख सकते थे. Over the years, glass making improved a great deal. साल गुजरते गए तो ग्लास मेकिंग जो है वो उसमें बहुत बेहतरी आ गई. Today glass is so clear like crystal that you can hardly tell it is there. आज ग्लास बहुत ज्यादा साफ सुथरा है क्रिस्टल की तरह. Houses can have many large windows. घरों में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं. Some city skyscrapers look as though they are built almost entirely of glass. बहुत सी फलक बहुत इमारतें ऐसे लगता है कि वो सिर्फ ग्लास से ही बनाई गई हैं. प्यारे बच्चों ये मुश्किल अल्फाज हैं जो हमने पहले चैप्टर में किए हैं उनके मानी हैं. तो एक्चुअली आपने देखा कि चीज़ें वक्त के साथ जो हैं वो बेहतर होती जाती हैं. इसमें मुसलसल एफर्ट डालनी पड़ती है, गुड बेटर और बेस्ट. इसी तरह आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के गोल्स भी बनाएं कि आपने ज़्यादा मुस्कुराना है, सच बोलना है, कुरान पढ़ना है, सुन्ना को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है. और उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.